तो दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस सिंपल है। मैं एक 30,000 के अंदर का फोन, नहीं 30,000, बिलो 30,000 के अंदर एक फोन को देख रहा हूँ बाय करने के लिए। और अभी बिग बिलियन डे आने वाला है, तो इसलिए ऑफर वाकर लगा के उसके बाद फोन को एक्सचेंज भी करके मुझे एक अच्छा सा फोन चाहिए, ठीक है। और मेरा प्रेफरेंस है कि मुझे कैमरा सेंट्रिक फ़ोन चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं पिक किया हूँ। जिन लोगों को गेमिंग सेंट्रिक चाहिए, इसके लिए मैं एक ही फ़ोन बताऊँगा, वो है इन्फिनिक्स का ये ZT10 Pro। इन लोगों को गेमिंग का ही फ़ोन चाहिए तो आप आँख बंद करके इस फ़ोन को ले लो। ये डेडिकेटेड फॉर गेमिंग है, और आपको मैं नथिंग या वो एवरीथिंग या वो कोई अदर थिंग नहीं बताऊंगा। इसको ले लो, इसमें सारे के सारे फीचर्स हैं और सारे के सारे डेडिकेटेड फीचर्स हैं। गेमिंग के लिए ही बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट आपको बैटरी चार्ज करने वाला फीचर भी मिल जाता है, यानी आप जब गेम खेलते खेलते आप अपना फ़ोन से आप वायर से कनेक्ट करके चार्ज लगा के आप गेम खेल सकते, ठीक है। वो मुझे अच्छा लगा उस फीचर को भी, और है तो इसलिए गेम खेलने वाले लोग इसी को ले लो। जो लोग कैमरा सेंट्रिक चाहते हैं वो मैं मेरा रेडार में मुझे चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सैमसंग S21 FE 5G को रखा हूँ। यहाँ पर तो दिखा रहा है 39,000 रुपीज़, जैसा चाहिए 30,000 के नीचे। हाँ, ये जब ऑफर आएंगे ना तो यार 30,000 के आसपास आ जाएगा। उसके बाद मैंने बैंक ऑफर को प्लस फ़ोन को एक्सचेंज करके, मेरा पुराना फ़ोन को एक्सचेंज करके मुझे 25,000 या उसके नीचे आया तो मैं इस फ़ोन को प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स है। मुझे कैमरा सेंट्रिक भी चाहिए, उसके साथ साथ एक बेसिक दो फीचर्स मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक तो है मुझे ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी चुपके से, यानी सामने वाले बंदे को पता ही नहीं चलना चाहिए। और सामने वाले बंदे को गूगल बोलता है ना, दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड, ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, साइलेंट से चुपके से रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इस सैमसंग UI में ऐसा फीचर है। सैमसंग का कोई भी फ़ोन लो, मैं आपको डेडिकेटेड यानी साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग मिलता है। और उसके बाद डुअल व्हाट्सएप चाहिए, ठीक है। ये आप यहाँ पर मोटरोला भी है, गूगल भी है, इस पर डुअल व्हाट्सएप फीचर लगा ही नहीं सकते आप। आपको पैरेलल स्पेस या किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को लगाना है, उसमें एड्स ही एड्स आते हैं। तो सैमसंग में डुअल व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, सारे के सारे फीचर्स, बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सैमसंग UI बहुत ही अच्छा है, और बहुत 5 साल तक आपको अपडेट भी प्रोवाइड करेगा सैमसंग। तो एक ब्रांड है, टॉप पिक है, इसलिए ये मेरा पहला पिक होगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने इन्फिनिक्स का, जो आपको बता दिया कि GT10 एवं गेमिंग सीरीज के लिए इन्फिनिक्स 020 भी है, मगर इससे भी ऊपर एक है 030। अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, आज तारीख 27 अगस्त है, और आप टाइम देख सकते हो कितना है, कितना बज गया है 030। अब तक लॉन्च नहीं हुआ है। वहाँ पर मुझे वह उसका कैमरा बहुत ही अच्छा लगा, यानी फ्रंट में भी आप 4K 60 FPS कर सकते हो। तो उसका उस फ़ोन को भी मेरा सेकंड ऑप्शन रहेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर नहीं है अभी, इसलिए मैंने 020 को रखा हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 4G फ़ोन है ये, 15,000 के आसपास ही मिल जाएगा। मुझे 15,000 के ही चाहिए, तो मैं इस फ़ोन को लेने की प्लान भी है, इसलिए इसको भी मैं रखूँगा। और इसमें आपको पता है फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का OIS कैमरा विथ ऑटो फोकस मिलता है। अब सारे के सारे ब्रांड क्या कर रहे हैं, 16 मेगापिक्सल यानी 16 मेगापिक्सल का कैमरा लगा के, वो भी फिक्सल फोकस कैमरा, 108 FPS दे देता है, ठीक है, वो मुझे नहीं चाहिए। और उसके साथ यहाँ पर अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है। अभी रियलमी 10 में देखो, यहाँ पर दो कैमरा है नाम के हिसाब से, एक ही कैमरा काम का है, और दूसरा कैमरा जो है ना वो नाम के लिए ही, तो डेप्थ सेंसर कैमरा क्यों क्यों भाई, आप तो अल्ट्रा वाइड दे सकते ना, नहीं देते, ठीक है। ये भी फ़ोन है मेरे पास रियलमी का, क्योंकि
ये भी एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, 4G फ़ोन है, ठीक है, ये डे टू डे यूज़ करने के लिए अच्छा है, मगर इसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, रियलमी का डायलर नहीं मिलता, मगर आप थोड़ा सा जुगाड़ करके रियलमी का डायलर लगा सकते हो, तब आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो चुपके से, और उसके साथ आपको फीचर्स तो मिलता ही मिलता है, आप डुअल व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, और ये हैंडी फ़ोन है इसलिए मैं इसको भी रखा हूँ। मुझे 30,000 पे नहीं करना है, उतना ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना है, तो मैं 15,000 के नीचे आ जाऊँगा तब मैं इस फ़ोन को और उसके साथ ये इन्फिनिक्स 020 इसको भी मैं देने की प्लानिंग में हूँ। ये प्लान भी है और उसके साथ ये भी है, इन्फिनिक्स नोट 35GB है। जिन लोगों का बजट 15,000 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते गेम खेलने के लिए चाहिए, तो इसको आप ले सकते हो। इस पर भी आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, उसके साथ वो बैटरी आप चार्ज लगा के आप गेम भी खेल सकते हो उस पर, बाईपास चार्जिंग बोलते हैं उसको, वो उस फीचर इसमें भी है। ये भी अच्छा फ़ोन है, मगर ये कैमरा है ना, यहाँ पर भी एक ही काम का है, ये दो है नाम का है, ठीक है, हम के लिए लगा कर रखे, पर दिखने में अच्छा है फ़ोन है। तो उसके बाद हम जाते हैं मोटोरोला के ऊपर, तो मोटोरोला एज 30 है, मोटोरोला एज 30 22,000 के आसपास इसका प्राइस है, प्राइस तो ठीक ठाक है, इसका डिस्प्ले भी अच्छा है, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, ठीक है, मगर क्या है कि ये मोटोरोला का 5,000 मेगापिक्सल दे रहे हो तब भी इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं होता, ये इन्फिनिक्स का कैमरा जैसे ही है, कुछ क्लियरिटी नहीं होता इसमें, और तो लेता है फोटो तो लेता है वीडियो तो करता है, मगर क्लियरिटी जो डेप्थ कलर डेप्थ बोलते हैं ना वो नहीं होता इसमें, ये H30 में नहीं, सारे के सारे मोटोरोला फ़ोन में यही हाल। अब देख लो, जिन लोग मोटोरोला का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, कैमरा नाम के हिसाब से क्या वो एक्सपोजर को ठीक से मेंटेन भी नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा, मगर इन लोगों को क्लीन यूआई चाहिए, लोटवेयर्स नहीं चाहिए, तो आप 20,000 या 30,000 के नीचे इस फ़ोन को देख सकते। इसका एक और ब्रदर है यानी मोटोरोला एज 40 को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा भाई लोग, ये ठीक है, ये 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा बिग बिलियन डे के टाइम पर। उसके बाद गूगल बाई का भी है, देखो गूगल पिक्सल 6 है ना, ये भी डेडिकेटेड कैमरा फ़ोन है, इसमें आप फोटो तो बिल्कुल फोटो के लिए बना है ये, मगर ये वीडियो में थोड़ा सा पीछे है एज कम्पेयर टू सैमसंग S21 पे आप कंपेयर करेंगे तो उतना अच्छा नहीं है 21 को कंपेयर करें तो, मगर ये भी क्लीन यूआई के साथ आता है, गूगल का ब्रांड है वो, अच्छा आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यानी सिक्योरिटी वो सब मिलेगा, मगर यहाँ पर भी आपको गूगल डायलर ही मिलेगा, उसके साथ यहाँ पर आपको डुअल व्हाट्सएप नहीं मिलेगा, ठीक है, जिन लोगों को डुअल व्हाट्सएप नहीं चाहिए, गूगल का ब्रांडेड चाहिए फ़ोटो लेने के लिए चाहिए, तो इस फोन को आप ले सकते, ठीक है, और वाटरप्रूफ भी है। तो ये मेरा पिक था, मेरा पहला पिक यानी 5G फ़ोन लेने का प्लान है, तो अब मुझे 5G फ़ोन ही चाहिए, तो मैं पहला चीज़ करूँगा, मेरा पहला पिक है वो है मेरा ये सैमसंग S21 5G, ठीक है, ये बॉल इन्फिनिक्स नोट 30 दूसरा पिक होगा, यहाँ पर नोट 20 है, अगर नोट 30 जब आएगा तब नोट 30 होगा, और तीसरा पिक जो है ये थोड़ा मुश्किल है भाई, तीसरा पिक कौन सा है, इस नोट 020 को मैं तीसरा पिक मान देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कैमरा सेंट्रिक है, और चौथा पिक होगा ये रियलमी 10 को मैं रखूँगा फोर्थ पे, और फिफ्थ पे मैं रखूँगा ये गूगल का पिक्सल, ठीक है, और उसके बाद रियलमी भी रहेगा सिक्स्थ पे, ठीक है, सिक्स्थ पे रहेगा, और मोटोरोला तो गया, मोटोरोला नहीं चाहिए भाई, मोटोरोला नहीं चाहिए,
और ये भी है सेवेंथ प्लेस पर होगा ये इन्फिनिक्स का नोट 30, पर भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। तो ऐसे करके मेरा रेडार में रहने वाला फोन्स है। मैं एक्सचेंज ऑफर भी देखूंगा, जिस फोन पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंज मिलेगा उससे ज़्यादा बैंक ऑफर मिलेगा, तो उन दो को देख कर मैं वही करने की कोशिश करूँ। 5G देना है या 4G देना है ये भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ। 5G देना है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो अब ये सैमसंग को पिक करने का प्लान है, तो मैं 4G लूँगा। 4G में आपको पता है ये रियलमी का 10, इन्फिनिक्स का 020 एंड नोट 30 5G में कम बजट में आने वाला, तो ऐसा मैंने प्लान करके रखा हूँ। और जिनको ऐसे ही रेंज में चाहिए या ऐसा ही प्लान आप भी करके रुक लो, अभी बिग बिलियन डे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आने ही वाला है। और सितंबर के महीने में तो बहुत सारे नए नए फ़ोन भी लॉन्च करेंगे ब्रांड्स, तो इस सब फ़ोन को रख लो। इस वीडियो भी बनाने का उद्देश्य इतना ही है, क्योंकि मैं 2 साल बाद जब मैं इस फोन को क्यों लिया भाई, तो इसलिए एक डॉक्यूमेंट की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ ना। मैं मेरा खुद का वीडियो देख के अच्छा मैं इसलिए भी इस बाइक फोन को बाय किया था, ऐसा रेफरेंस के लिए ऐसा मैं सेव करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। इससे आपको भी कुछ हेल्प हुआ तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये लोगों को चाहिए, और ऐसे में वीडियो लगातार बनाने की कोशिश करूँगा। ये आपको लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।